चैनल वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आई एम ऑल सेट टू गो। आज मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कदम रखने जा रही हूँ। आई नो आई एम ऑलरेडी वर्किंग बट आई एम प्रैक्टिसिंग देयर। तो मैंने कुछ जगहों पे अप्लाई किया था तो वहाँ से मुझे इंटरव्यू कॉल आया है एंड आई एम गोइंग टू गिव माय फर्स्ट इंटरव्यू। दिल में अजीब अजीब सा हो रहा है। अभी काफ़ी टाइम हो गया एक्चुअली मुझे काम करते हुए, तो आई थॉट कि अब मुझे दिस इज़ द राइट टाइम कि मुझे अप्लाई कर देना चाहिए काफ़ी सारी हॉस्पिटल्स में, फर्म्स में। सो आई जस्ट ड्रॉप्ड माय सीवी, अल्हम्दुलिल्लाह कॉल आई है। सो आई एम गोइंग टू गिव माय फर्स्ट इंटरव्यू टुडे और थोड़ी सी नर्वस भी हूँ। विश मी लक, यस। सी पजल्ड भी हूँ कुछ चीज़ों को लेके, कुछ चीज़ें सोच रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे मैं प्रैक्टिस करने जाती थी तो इट वाज लाइक 3 to 4 आवर्स का मेरा सेशन होता था, बट जॉब ऑब्वियसली वो मुझे 9 to 5 करनी पड़ेगी और तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल स्केड्यूल हो जाएगा। विल्दान को देखना, तो बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में चल रही हैं अभी, आई डोंट नो। बट मैंने अप्लाई तो कर दिया था बट अब जो है बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में आ गई हैं, क्या क्या करूँगी मैं, किस तरह से मैनेज करूँगी। बट आई थिंक अपॉर्चुनिटीज़ को मिस नहीं करना चाहिए, तो मैं जाऊँगी, देखते हैं क्या होता है। एंड माई बेबी इज शिपिंग। विल्दान आई लव यू, I love you. I love you. Wish me luck. Wish me luck. Give me kiss. Wish me luck. Wish me luck. Wildan said, I don't care, mama. Go. Wildan, so good luck, mama. Good luck, mama. थैंक यू। सुबह उठते ही जी यहाँ पे टॉय बाजार लग चुका है। लेट्स क्लीन विदा, लेट्स क्लीन, पुट ऑल योर टॉयज इन द बास्केट, पुट ऑल योर टॉयज इन द बास्केट। उफ विदा, प्लीज डोंट डू दिस। लेट्स क्लीन, लेट्स क्लीन द रूम। मैं सुधारती हूँ और ये साफ बिगाड़ते हैं। Very bad. Wildan is a bad boy. Wildan is a good boy? Okay guys, so interview went well और अब मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। कैसा हुआ इंटरव्यू, क्या क्या पूछा? इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ और क्या क्या पूछा उन्होंने मुझे, ये बाहर जो बंदा खड़ा हुआ है ग्रीन शर्ट में, ये कौन है, कौन है ये आखिर जो हमारे हॉस्पिटल से नजर ही नहीं हटा रहा? मैं क्या हो गया, मैं तो इनकी तरफ मुंह था मेरा। ओ याद आए, विश मी लक। जब तक ये जाएगा तब तक तो लक खत्म हो जाएगी, कहाँ चली जाएगी। ये भी बात है, बट आई एम होपफुल। आपने वो टिंग टोंग वाला बिल्ला है ना, वो आज हमारे पास आ गया। नाम क्या है इसका? इसका नाम है कालू करण। कालू करण कलर डिस्क्रिमिनेशन, ब्लैक लाइव्स मैटर्स। कालू यार अजीब लग रहा है सब कालू बोलते हुए।
खुश होता है कालू। हाय कालू, हाय माय डिंग डोंग। मुझे लगता है हमें ना इंजेक्शन लगवाने चाहिए। दिस कैट अटैक्ड मी। ये चक्कर, ये होता है रोज मेरे साथ। आजकल तो रोज ही हो रहा है, पता नहीं क्यों सारे कैट सारे डॉग मुझ पे गुस्से में चाहते गए हैं मुझे। एक तो बेचारों को मैं ठीक करती हूँ, उनका इलाज करती हूँ, तो गुस्सा कर देती हूँ। इट्स टाइम फॉर मी टू गो बैक होम। मेरा ऑफ हो चुका है एंड नाउ आई एम गोइंग बैक टू होम टू विल्डा। व्हाट आर यू डूइंग? इंजेक्शन। यू आर गिविंग इंजेक्शन बिकॉज मामा इज नॉट सिक। थैंक यू विल्डान फॉर ट्रीटिंग। हेलो, इट इज साउंड। Hello. 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 आज है हमारा इंटरव्यू, मतलब हाँ मतलब कि अच्छा हो गया। ये पूरा जो मंथ इंटरव्यूज देते हुए गुजरा है, मैं मेरा भी विल्डान का भी और हमारा स्कूल का भी कंबाइंड इंटरव्यू कैसा हुआ? इंटरव्यू कैसे हुआ? बहुत मुश्किल था। हाँ क्या क्या पूछ रहे? नहीं बस जो जनरल बातें होती हैं कि ऑक्यूपेशन। बहरान बोल रहे थे कि उन्हें बता देना तुम इन्फ्लुएंसर हो। हाँ है तो प्रोफेशन, बट काफ़ी बार लोग डर जाते हैं किसी इन्फ्लुएंसर के साथ उठने बैठने में भी, कि कुछ हमारी कोई फॉल्स बात जो है, फॉल्स खबर हमारी इधर उधर ना कर दे। तो तुम अभी भी कर सकते हो, जैसे लोग मीडिया से करते हैं, मीडिया से डरते हैं। तो तुम अभी भी वायरल कर सकते हो। इसका एनवायरनमेंट थोड़ा सा कूजी सा है, इस तरह से है पीछे, लाइक पीछे पे प्ले ग्राउंड है। बच्चे जो हैं वो टीचर की नज़र में रहेंगे आई थिंक। ये देखिए, यू लाइक इट, यू एंजॉय। You're making your house? सुधर जाओ तुम, सुधर जाओ। अब स्कूल जाना है, सुधर जाओ। नो विल्डान, विल्डान कम है, कम है, कम है। बाय, लेट्स गो। अभी हम लोग आए हैं जाओ, क्योंकि मेरे दांतों में है इस टाइम बहुत ज़्यादा तकलीफ। मुझे देख के लग नहीं रहा होगा बट आई एम नॉट फीलिंग वेल। मेरा जो ये है इस साइड पे जो मोलर टीथ है वो उधर कैविटी हो गई और काफ़ी दिन से वो मैंने फिलिंग नहीं करवाई, तो डिले करते करते अब जो है आई थिंक RCT होगी, रूट कैनाल। अपॉइंटमेंट के लिए आए हैं कि क्या सीन है अपॉइंटमेंट का। लास्ट टाइम मैंने करवाया था एक क्लिनिक से, तो वहाँ का मुझे एक्सपीरियंस मेरा अच्छा नहीं रहा, तो इस बार मैंने सोचा कि मैं डाउट ट्राई करूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ सुने हैं यहाँ पे डेंटल डिपार्टमेंट के, तो लेट्स सी। इतना ज़्यादा मुझे पेन है, पूरी रात कल मुझे बहुत ज़्यादा पेन रहा है, तो ये जो कैविटी वाला जो प्रॉब्लम होता है ना वो खतरनाक होता है। और मैं कब से डिले करती जा रही हूँ, मुझे याद है चाइना में भी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी, बट उसके बाद ठीक हो गई, तो मैं थोड़ी सी सुस्त पड़ गई कि ठीक है ऐसे ही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बट अब बहुत ज़्यादा है। और अब बहुत ज़्यादा आई थिंक अब मुझे लाइक सीरियस लेना चाहिए। Mama, Mama is here. Mama. Mama is not going anywhere. Mama is going to the hospital. Let's go. We will go together. अभी हम लोग आ चुके हैं ओरल डिपार्टमेंट में डाओ के। Let's go to the doctor. Doctor will give me injection. Will done. I'm so scared.
ओके गाइस, तो हम लोग हॉस्पिटल से होके आ चुके हैं, बट उन्होंने एक लंबी कहानी बता दी है। 9 से 1 का टाइम है, आपको उस टाइम में आना है, उसके बाद आपको एक दिन डायग्नोस होगा, नेक्स्ट डे आपका जो है वो अपॉइंटमेंट बुक किया जाएगा, RCT होगी या जो भी होगा, तो वो एक लंबी कहानी है। लेट्स सी क्या होता है, कल सोच रही हूँ कि कल आ जाऊँ मॉर्निंग में। गाइस, खाना खाने हम आ चुके हैं KFC। हमारे साथ आयो, आई थिंक तुम लंच पे तो आप लोग साथ है ना, आप भी देखे ऑर्डर आया, बट वो बहुत ज़्यादा ठंडा था, तो मैं भी वापस खराब कर आई। प्राइस भी इतने ज़्यादा फ्रेश नहीं थे, चिकन भी मुझे थोड़ी सी फ्रेश नहीं लगी। मेहरान अभी अपना बर्गर इन्जॉय कर रहे हैं और मेरा खाना, मुझे तो देखिए आप, दांत में इतना दर्द है और फिर भी मैं मज़ेदार चिकन मैंने ऑर्डर कर दिया, फुल क्रिस्पी फुल स्पाइसी। आई डोंट, मैं खाऊंगी कैसे, बट मुझे अपनी क्रेविंग सेटिस्फाई कर ली थी। अच्छा है ना बर्गर, दिस बर्गर इज सो नाइस, कैंटकी बर्गर, कैंटकी बर्गर। घर आते ही सी व्हाट वी हैव गॉट, दिस इज़ फ्रॉम चॉक एंड चंक, ये पैकेज आया है विल्दान के लिए, यामी सी केक सिकल्स हैं, आप ज़रूर इनका पेज चेक कीजिएगा, आई विल मेंशन द पेज। नो नो नो, डोंट टेक दिस आउट। ओके गाइस, सो आई एम गोना एंड माय व्लॉग हियर, आई होप यू गाइस लाइक दिस व्लॉग। अभी तक हम लोग ज़्यादातर एकेडेमिक्स का ही सोच रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे मिक्स रिव्यूज़ आए हैं, रूट्स के भी एकेडेमिक्स के भी। अच्छा, और भी स्कूल्स हम लोगों ने सर्च किए हैं जो हमारे लाइक हमें जो करीब पड़ रहा है, और विल्दान के आने जाने में भी लाइक आसानी होगी, और बाकी जो है वो काफ़ी दूर हैं। अच्छा, मामा पारसी का मुझे नहीं पता था, जस्ट फॉर गर्ल्स है, क्योंकि मुझे इतना नहीं पता कराची के स्कूल्स का, तो मैंने जहाँ से इन्फॉर्मेशन ली तो उन्होंने मुझे एक मामा पारसी भी बताया था, मुझे नहीं पता था एक गर्ल्स स्कूल, सिटी स्कूल, बीकन स्कूल, हम लोग सभी सर्च कर रहे हैं। जो अभी तक हम लोग को सूट कर रहा है, उसके जो क्राइटेरिया भी पूरा उतर रहा है, वो अभी तक यही स्कूल है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हों ज़्यादा, मुझे इस तरह के स्कूल्स पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है बच्चे इस उम्र की, विल्दान की एज वाले जो बच्चे हैं, वो इस तरह की एक्टिविटीज़ से ज़्यादा लर्न करते हैं, ज़्यादा स्टडी वगैरह से वो थोड़े से बोर हो जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ जिस स्कूल में ज़्यादा एक्टिविटी हो, स्विमिंग क्लासेस हो एंड ऑल, म्यूज़िक क्लासेस एंड सारा उर्दू लाइक इस्लामियात एंड ऑल सारे सब्जेक्ट्स, उसको पूरी प्रॉपर जो है उस पर मिले। कुछ मदर्स ने भी मुझसे कॉन्टैक्ट किया है जिनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उनसे मुझे थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन मिली है कि दे आर सेटिस्फाइड, और कुछ अच्छा मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले हैं। कुछ विल्दान का फर्स्ट स्कूल हम लोग चूज़ कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी पजल हो रही हूँ, बट लेट्स सी, कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट लेना है ना, सो वाई नॉट फ्रॉम हेयर। अच्छा, फी का आप लोग पूछ रहे थे, एकेडेमिक्स की जो है वो 17,750 समथिंग लाइक दिस थी, और रूट्स की जो थी वो 19,000 समथिंग थी, और एकेडेमिक्स की जो सिक्योरिटी एडमिशन फी सब मिला के 55,000 बन रहा है। आप लोगों की बेस्ट विशेस चाहिए और आपकी सब्सक्रिप्शन चाहिए, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक दैट बेल आइकन, सो यू गाइस कैन नेवर मिस अ वीडियो, एंड अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बाय बाय, लव यू गाइस ऑल।